प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोस में कि 40 साल से कम आपकी उम्र है अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी से जुड़े हुए लक्षण आते हैं तो ये प्रोस्टेट की बीमारी नहीं, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की वजह से होता है। प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारी को क्या बोलते हैं? BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, जो अमूमन 40-50 साल के ऊपर के उम्र के पुरुषों के अंदर होती है। समझा की बात? और अगर 40 साल से कम आपकी उम्र है, अगर आप में लक्षण आ रहे हैं, आपको पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब रुक रहा है, या पेशाब करते समय जलन हो रही, तो ये आपको हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन इन प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि आपके प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर किस तरह कोई इन्फेक्शन हो गया। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको 40 साल से कम उम्र में ही प्रोस्टेट की बीमारी हो जाए। अच्छा, बात आती कैसे आप लक्षणों को पहचानेंगे कि आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया उसको बोलते क्या है पता है आप लोगों को? प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस होता है आपके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना। ठीक है, जो मैंने टर्म यूज किया ना, ये प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाना। और 40 साल के ऊपर जो प्रोस्टेट की बीमारी होती है उसको बोलते हैं BPH। समझा गई बात? यहां तक आपको क्लियर हो चुका? अच्छा, अब मैं अपनी अगर बात करूं, अगर मेरे अंदर, मेरी उम्र अभी 40 साल से कम है, मैं 37 का हूं, अगर मुझे प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया तो मुझे क्या क्या लक्षण होंगे, मैं कैसे पता करूंगा? देखिए, मुझे पेशाब करते समय पेन होगी, जलन होगी, पेशाब रुक रुक कर बूंद बूंद करके आएगा, सबसे पहली बात। अब इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरिया की वजह से आपके प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। समझा गई बात? इसके अलावा पीठ के निचले हिस्से में पेन होगी, दर्द होगी, मुझे जो पीठ का निचला हिस्सा वहां पर आपको दर्द महसूस होगी। इसीलिए मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रांग रखिए भाई। तभी बोलते कि बटरफ्लाई योगासन किया करो यार, कुछ नहीं जाता आप लोगों का। कुछ ऐसा मत सोचो कि हमारी उम्र कम है, हमें प्रोस्टेट में बीमारी या प्रोस्टेट के इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोस्टेट की बीमारी होने के चांस कम है, लेकिन इन्फेक्शन हो गया तो क्या करोगे? इसलिए बोलते हैं अपने प्रोस्टेट ग्रंथि को, यानी कि जो पेल्विक एरिया उसको मजबूत रखो। इसके लिए एक सबसे बेस्ट मैं आपको ऑप्शन बता दूं, तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन करो रोज। ठीक है, समझा की बात? देखिए, अब यहां पर बात यह आती है कि कैसे हमें, क्यों हमें प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है इस कम उम्र में ही, 40 साल से कम उम्र में ही क्यों हमें प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी क्या हम गलती करते हैं? आप लोग अपने प्रोस्टेट ग्लैंड की एक्सरसाइज नहीं करते, सिंपल सा रीजन है, आप लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स की अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बात समझा गया आप लोगों को बात ना? इसलिए हमेशा आपको बोलता हूं, हमेशा हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। इसलिए बोलता हूं आप लोगों को, जब भी आपके यूरिन के थ्रू कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में एंटर करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो आपको इन्फेक्शन होगा, यानी इन्फेक्टेड यूरिन। अब इसके लक्षण अगर मैं और बात करूं तो जैसे आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, सेम सेम वैसे लक्षण आप लोगों को दिखाई देंगे। इसलिए सबसे बेस्ट है, घर पर आप लोग कन्फ्यूज होंगे, इससे बेस्ट है हॉस्पिटल चले जाओ, वहां पर टेस्ट, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, फिर आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो वहां पर पता लगाते हैं कि कितना इन्फेक्शन है, कब से इन्फेक्शन है, किस रीजन से इन्फेक्शन है। इसलिए मिर्च मसाले को, चाय, कॉफी पीना आज से बंद कर दो, जिनका भी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है या ये लक्षण आते हैं बार बार, कौन से? पेशाब में जलन, पेशाब रुकना या पेशाब बार बार आना। ठीक है, समझा रहे ना आप लोगों को बात क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप में मानो रोज नहीं आते हैं, हफ्ते में एक दिन, महीने में, साल में एक दिन ही ये लक्षण आता है, कौन सा दोबारा बता दूं? पेशाब रुकना है, पेशाब में जलन होना, अचानक से पेशाब रुकता है, कोई गर्म चीज खा ली तो पेशाब रुक जाएगा, मीट अंडा खा ले पेशाब रुकेगा, जलन होगी, पेशाब पास ही नहीं कर पाओगे, ये लक्षण अगर आते हैं तो आज से अभी से मिर्च मसाले वाली चीजें खाना बंद कर दो, शादी वगैरह का खाना बंद कर दो, मीट अंडा खाते बंद कर दो, दूध से बनी चीजें बंद कर दो, पैक्ड फूड डिब्बे में बंद, नमकीन, बिस्किट्स खाना बंद कर दो, मैदा बंद कर दो, भैंस का दूध पीना बंद कर दो। अच्छा, इससे अब करें क्या? देखिए, इसका ट्रीटमेंट भी ना, इसका जो इलाज है, जो मतलब कंट्रोल करने के तरीके, वो भी सेम ही होते हैं एज यूटीआई इन्फेक्शन। आपको पानी दिन में 2.5-3 लीटर पानी पीना, दिन में 2.5 लीटर सफिशियंट है, 2.5 लीटर से ऊपर पीने की जरूरत है ही नहीं,
पानी ज़्यादा पी, जितना ज़्यादा पानी पियेंगे बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाता है आपके शरीर से, ठीक है। समझा गया ना बात आप लोगों को? यहाँ तक आपको समझ आए कि नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को दोबारा देख लो या कमेंट करना, आपको बताऊँगा दोबारा समझा, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे पार्टिकुलरली आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। और अब आती है बात, हम घर पर ऐसा घरेलू उपाय क्या करें। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट है, मैं आपको बता दूं, इन्फेक्शन है या तो, ध्यान से समझा, या तो तुलसी की चाय बना लो, बात समझो, या तो तुलसी की चाय बनाकर पियो या तुलसी की चटनी बनाकर प्रयोग करो। तुलसी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, सूजन है, स्वेलिंग है, तभी तो पेन हो रहा है, पेशाब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुलसी को किसी भी रूप में यूज़ करो, लेकिन आज से यूज़ करना शुरू कर दो। सेकेंडरी, हल्दी वाला दूध, लेकिन हल्दी वाला दूध कौन सा, गाय का दूध लेना, उसमें चम्मच डाल लो आधा हल्दी का, उसको पियो रात को सोते समय। यकीन माने दोस्तों, हल्दी, आपको पता होगा कि क्या हल्दी में गुड़ होते हैं, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। हम गांव में आज भी ऐसा करते हैं, अगर हमें कहीं पर भी कट लग जाता है, चोट लगती है, जख्म हो जाता है, हम वहाँ पर हल्दी लगाते हैं, समझा गई बात। तभी हम लोग गांव के लोग बंदे स्वस्थ रहते हैं, हल्दी लगाते हैं, जख्म 4-5 दिन में भर जाता है, दर्द भी खत्म हो, सूजन भी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हो आपको समझ आएगा, डरने की बात नहीं है, हॉस्पिटल जाना, टेस्ट जरूर करवाना अगर आपको लक्षण आ रहे हैं बार बार। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हो कल की, तब तक के लिए हरे कृष्णा।